नहीं, लोग कहते हैं मारुति की बेकार है, मारुति की छोटी गाड़ी की बेकार है, ब्रेजा वगैरह हो गई, इनकी बहुत ही तगड़ी मिलती है सेफ्टी ना, क्योंकि इसके अंदर अपने भाई 6 एयरबैग मिल जाते हैं, इसमें सीट में हो गए, स्टेयरिंग में हो गए, पिलर में अपने हो जाते हैं, तो 6 अपने एयरबैग अपनी कंपनी दे रही है, तो सेफ्टी तो बढ़ जाते हैं, ऊपर से मेटल भी इसमें बढ़िया मिलता है ब्रेजा के अंदर। यहाँ से भाई मेरे को बिल्कुल 1% नहीं लगता ये गाड़ी के अंदर CNG लगा रखी है, क्योंकि ना ये छुपाई ऐसे रखी है, ये पूरी कवरिंग इतनी बढ़िया, फिनिशिंग एक नंबर ही कर रखी है मारुति ने यहाँ पे। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का शुभम राव साहब के एक और नए वीडियो के अंदर। तो भाई कैसे आप लोग, आई होप सो ये बढ़िया होंगे। आज भाई मेरे पास में है मारुति सुजुकी ब्रेजा जो अपनी आती है। भाई ब्रेजा ना इतनी ज़्यादा बिक रही है आज के टाइम में, कहीं देख लो ब्रेजा ब्रेजा हर जगह यही गाड़ी आती है, क्योंकि भाई है इतनी बढ़िया कंपनी ने बनाई, इतनी बढ़िया रखी है, पीछे से देखो लगती है ना भाई कोई चीज़ की, हाँ भाई बढ़िया रुपये मतलब खर्च लगती है। जैसे इसकी डिग्गी खोलते मैं ऊपर यहाँ से, अब देखना बूट्स पे देखो भाई इतनी मिलते हैं CNG के होने के बावजूद, आप स्पेस देख लो एक नंबर की मिलते हैं, अपनी नीचे देख लो यहाँ ना भाई आराम से आप कोई बैग वगैरह तो रख सकते हो आराम से, मतलब टैब तो नहीं, मतलब जैसे अपने लैपटॉप वगैरह हो गए बैग जो होते हैं उनके, आराम से इसके अंदर आप सामान कैरी कर सकते हो। और नीचे आप यहाँ से देखते हो ना, यहाँ पे भाई इसमें स्पेयर व्हील मिलता है बिल्कुल नीचे, छुपा के दे रखा है सही लगता है। लेकिन भाई आप ये देखो मारुति की जो अपनी टेक्नोलॉजी है ना उसके बारे CNG वाले बहुत ही बढ़िया, और इनकी जो टेक्निक होते हैं जैसे मतलब गाड़ी को थोड़ा छुपा के रखने की, वो चीज़ बढ़िया लगी CNG है। लेकिन भाई दूर से ना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ से भाई मेरे को बिल्कुल 1% नहीं लगता ये गाड़ी के अंदर CNG लगा रखी है, क्योंकि ना ये छुपाई ऐसे रखी है, ये पूरी कवरिंग इतनी बढ़िया, फिनिशिंग एक नंबर ही कर रखी है मारुति ने। यहाँ पे देखो अपनी भाई रेंज रोवर वाली लाइट है, मतलब रेंज रोवर इवोक आप इसको कह सकते हो, और पीछे अपनी ब्रेजा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसमें LED टेल लाइट मिलती है भाई, बहुत ही बढ़िया थ्रो इनका, बहुत ही बढ़िया रात के टाइम में 4 पारिंग सेंसर मिलता है, और ये अपना VXI मॉडल है जो अपना आता है इसमें। टायर सेक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भाई इसमें 16 इंच अपने स्टील रिम मिलते हैं, और बैक स्पेस देख लो भाई पूरी सीट पीछे रखी है वाली, और पीछे स्पेस देखो भाई कितना बढ़िया मिलता है, मतलब आराम से बंदा बैठ सकता है भाई, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी। और यहाँ पे 2 AC वेंट मिलते हैं, और सीट के पोस्ट देखोगे तो अपनी फैब्रिक मिलते हैं, वो वैसे नहीं मिलते जो अपनी लेदर वगैरह की आती है ना, वो सीट कवर वगैरह लगवाने होते हैं। पीछे पार्सल ट्रे वगैरह देख लो, सनरूफ नहीं आती भाई इसके अंदर। डैशबोर्ड देखो भाई, भाई साहब ये सच में रेंज रोवर लगती है, बस एक बार लोगो चेंज करना है इसका। और स्पीकर वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं, फ्रंट से गाड़ी को दिखाता हूँ ना, तो फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे भाई इसमें LED लाइट नहीं मिलती, इसके अंदर हेलोजन लाइट मिलते हैं, LED इसमें आप डलवा सकते हैं, नीचे इसमें फोग लैंप की जगह दे रखी है, आते नहीं है, टॉप मॉडल में आ जाते हैं। और यहाँ पे इसमें क्रोम दे रखा है, इस साइड में देखते हो तो अपने ओरियम अपने टर्न इंडिकेटर के साथ मिलते हैं, और फोल्डेबल फंक्शन शायद इनमें है, देखते हैं भाई एक बार यहाँ से। भाई इनकी ना आवाज़ बहुत बढ़िया, और मारुति में अपने अलार्म वगैरह भी सही मिलते हैं गाड़ी के अंदर, सेफ्टी बहुत मिलती है इनमें। अच्छा एक मिनट, हाँ, और भाई जैसे मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ ना, तो भाई अंदर आने के बाद भाई बहुत ही बढ़िया इतनी खुशबू आती है, मतलब भाई कहाँ यार इन्वॉल्व वगैरह जो मारुति परफ्यूम देते हैं मेरे को भाई, उनकी बहुत अच्छी लगती है स्मेल, इतनी बढ़िया लगती है, मतलब आप खुद से देखो भाई, कम करता हूँ। यहाँ पे इस भाई 2 AC वेंट के अपने मिल जाते हैं बीच में, और इस साइड अपना थोड़ा टेक्सचर देखा 3D एकदम। यहाँ पे इसमें अपनी मेटालिक थोड़ी फिनिश दे रखी है, क्रोम ये मेटालिक है, स्टीरियो मिलते हैं इसके अंदर बहुत ही बड़े, एक बार भाई आवाज़ कम करता हूँ, FM वगैरह 0 ही है। इसमें अपना एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड दोनों अपने चल जाते हैं बहुत ही आराम से। और यहाँ पे इसमें 2 आपको पोर्ट मिल जाते हैं, एक तो अपने 12 वोल्ट का मिलता है, एक अपना USB और ऑक्स का मिलता है साइड में, नहीं USB का ही है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि मारुति भाई सभी गाड़ी में डाल रही है, आप अपनी फ्रोनेक्स वगैरह देखते हो उनके अंदर भी अपना बिल्कुल बेस मॉडल से ये चीज़ आती है, और सही लगती है, टॉप मॉडल में इस चीज़ की कमी रहती है, तो ये अपनी हो जाती है पूरी। गियर नॉब देखोगे अपना 5 स्पीड अपना मिलता है इसके अंदर, बैक गियर अगर लगाते हैं तो सेंसर मिलते हैं इसमें इस साइड में। और पर गाड़ी की साउंड सुनना, साउंड के लिए बहुत लोग कहते हैं ना साउंड देखना गाड़ी की, भाई इतनी साइलेंट गाड़ी है, मतलब नेक्सोन वगैरह कहाँ है यार इसके बराबरी में। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स वगैरह देखते हो तो ये भी अपना बढ़िया स्पेसिस आपको देखने को मिलता है। इस साइड अपना CNG का स्टिकर मिलता है, अपना DNA अपना एरे मिलता है, यहाँ पे इसमें ये टिकट होल्डर मिलता है दोनों साइड में, इस साइड में अपना मिरर दे रखा है, लाइट नहीं आती, और यहाँ पे से माइक दे रखा है, इस साइड अपनी लाइट दे रखी है कैबिन लाइट। और भाई इसके अंदर हैंडरेक मिलता है, यहाँ पे इसमें जगह दे रखी है थोड़ी सी, यहाँ 2 कप होल्डर की स्पेस, यहाँ पे भी जगह दे रखी है। टॉप मॉडल में यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट आ जाता है, जो कि आप वैसे भी लगवा सकते हैं मारुति में, मतलब होते शोरूम में। और स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो अपना भैया टिल्ट ही एडजस्टेबल आपको देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है,
ठीक है। और भाई यहाँ पे स्टेरिंग में बड़ा लाइट है इसका, ये सुजुकी का लोगो ना, इसकी जगह अगर मैं रेंज रोवर का लगाऊँ तो भाई बिल्कुल सूट करेगा, गाड़ी इतनी बढ़िया लगती है। यहाँ इसमें क्लस्टर आप देखोगे अपना ऐसा मिलता है पूरा, बीच में अपनी MID देखो, इस साइड अपना एनालॉग, ये अपना इस साइड अपना एनालॉग मिलता है। पेट्रोल गाड़ी तो अपने 8000 RPM इसमें टॉप मिलते हैं। और भाई इसे एक बार इंजन और दिखाते हैं, इंजन कैसा मिलता है। और यहाँ पे ना आप देखते हो ट्रैक्शन कंट्रोल नॉब का मिलता है, CNG अपना फ्यूल स्विच का मिलता है, लाइट लेवलर मिलता है। यहाँ पे इसमें आप खोल सकते हो, और ये भी दिखाता हूँ कि CNG कहाँ से भरती है इसमें। और एक फीचर देखा जैसे कि मैंने इसका फ्यूल लिड खोला ना तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो गई, ये बढ़िया फीचर मिलता है। नीचे की साइड यहाँ पे देखते हो इसके अंदर अपने डेड पेडल भी देखने को मिलते हैं, अपने पावर विंडो को मिलता है, ऑटो डाउन ऑटो के साथ लॉक अनलॉक। और CNG फील अपनी वही साइड से होती है, यहाँ से इसमें CNG फील हो जाएगी। और दूसरी साइड अपना पेट्रोल का दे रखा है। माइलेज वगैरह तो भैया अभी निकाल ही नहीं है, बाकी बता देंगे। और एक बार इंजन देख लो इसका, हुड भाई हैवी मिलता है, मतलब क्वालिटी तो देखो है। इंजन भी देख लो 1.5 लीटर का है, ये रिफाइनमेंट अच्छी हो रही है, आपके पावर स्पेक्स डिस्प्ले पे शो हो रही है ठीक है। और यहाँ पे इसमें बैटरी मिल जाती है भाई, कवरेज वगैरह बढ़िया हो ना, सेफ्टी बहुत बढ़िया मिलती है गाड़ी के अंदर। पता नहीं लोग कहते हैं मारुति की बेकार है, मारुति की छोटी गाड़ी की बेकार है, ब्रेजा वगैरह हो गई इनकी बहुत ही तगड़ी मिलती है सेफ्टी ना, क्योंकि इसके अंदर अपने भाई 6 एयरबैग मिल जाते हैं, अपने सीट में हो गए, स्टेयरिंग में हो गए, पिलर में अपने हो जाते हैं, तो 6-6 अपने एयरबैग अपनी कंपनी दे रही है, तो सेफ्टी तो बढ़ जाते हैं। और ऊपर से मेटल भी इसमें बढ़िया मिलता है ब्रेजा के अंदर। सो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।